सो एक चीज इनके केस से और क्लियर है कि जितना आप रिकवरी प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करते हो, दैट मीन्स योर टाइम एंड एनर्जी, उतना ही प्रोपोर्शनल आपको रिजल्ट मिलता। अब आप देखिए कि ये इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट में नॉट ओनली इनके हस्बैंड ठीक हुए, उस इन्वेस्टमेंट का एक डबल गेन क्या मिला कि हम भी ठीक हुए और हमारी फैमिली का एक एक मेंबर भी अब रिकवर कर रहा है। और क्योंकि ये जीन्स में बीमारी है, तो हमें अपने बच्चे के अंदर भी जो इश्यूज हुए, हमने उसको भी एड्रेस किया, उसके लिए भी डॉक्टर को कांटेक्ट किया। ऐसे नहीं बोलते कि ये जेनेटिक बीमारी है, एक्सेप्टेंस लेवल। जर्नी शुरू हम सबकी डिनाइल से होती है, उस डिनाइल के बाद जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आती है, तो एक्सेप्टेंस के बाद आगे हम बात करते हैं सरेंडर, बिकॉज सरेंडर अनकंडीशनल होता है। सरेंडर के पीछे फिर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आती। सरेंडर मीन्स कि आपने किसी प्रोग्राम को सबमिट कर दिया, सरेंडर मीन्स कि आपने अपनी विल छोड़ के दूसरे की विल को फॉलो करना शुरू कर दिया, एंड दैट्स द प्रोग्राम्स, क्योंकि आपने उस प्रोग्राम की विल को देखा है कि वो प्रोग्राम की विल जिस चीज के ऊपर चली उनके रिजल्ट सबको बेटर मिले। सो ये होगा, मतलब हम सबका जो एक बोलते हैं कि जो एक साइकिल चलता है वो ऐसे ही चलता है। डिनाइल आता है, फिर हमें गुस्सा आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर हम बार्गेन करते हैं, हम भी तो परमात्मा के साथ बार्गेन करते हैं, ये एज अ फैमिली हम बात करते हैं कि थोड़ा हो जाता, कम हो जाता, क्यों हुआ, एंड देन उसके बाद बार्गेनिंग के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज डिप्रेसिव लो सैडनेस, क्योंकि अब आपको लगता है कि नहीं हर कोशिश नाकामयाब हो गई है, ये सच है और इसको मानना ही पड़ेगा। तो वो ग्रीफ साइकिल, ये डाबडा वाला हर किसी में चलता है, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, नॉट डिप्रेशन क्लिनिकल वाली, लो सैडनेस वाली, क्योंकि ये है बात कि मेरे घर में एक बीमारी आई है, मेरे घर में एक पेशेंट बैठा है जिसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। और अगर मैं, मतलब हम देखें कि एक नॉर्मल बीमारी में भी एक पेशेंट को अगर अस्थमा है तो उसकी लिमिटेशंस है ना, अगर उसको केदारनाथ अमरनाथ यात्रा पे जाना है तो लिमिटेशंस है ना उसके लिए, तो हमारे पेशेंट्स के लिए भी कुछ लिमिटेशंस है। बट यहाँ पे हमारी एज अ फैमिली एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, हम उसकी लिमिटेशंस को देखते ही नहीं है कि वो लिमिटेशंस क्या है। यहाँ पे वो गैप के कारण जो हम प्रेशर हमेशा डालते हैं पेशेंट के ऊपर, वो उसका बोझ नहीं उठा पाता और वो कोलैप्स कर जाता। तो आप देखिए हर बीमारी के पीछे लिमिटेशंस हैं। कोविड था तो लिमिटेशंस थी कि हम घर में बैठे थे, तो इस बीमारी में अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसको भी कुछ उसकी लिमिटेशंस होंगी, जो हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक है अभी, कि अभी क्या मैं उससे एक्सपेक्ट करूं कि अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करे कि अपने काम पे फोकस करे। अभी प्रेजेंटली तो लिमिटेशंस है ही है ना, क्योंकि हम हमेशा इस चीज में लिए कह रहे हैं कि कल भी जो हमने प्रिंसिपल्स की बात की कि पेशेंस चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, नो मैजिक वैंड, बट ये होता है कि जब आप उस प्रोसेस में शुरू करने होते हो, शुरू करते हो, तो जो फोकस आपका हमेशा आपके लव्ड वन पे रहता है वो आपका शिफ्ट हो जाता है आपके पे, आप एंजॉय करना शुरू हो जाते हो वो प्रोसेस, और आप भूल जाते हो कि मैं तो यार इसके लिए आई थी, बट मेरी लाइफ कितनी उससे चेंज हो गई और बेटर के लिए चेंज हुई, बिकॉज रिकवरी प्रोग्राम हम सबको ब्लॉसम करता है। ये सब छोड़ना पड़ेगा और हमें सरेंडर करना पड़ेगा एक दिन का, अगर मतलब अगर एक बार में सोचते हैं ना ये, तो बहुत बड़ी चीज लगती है, ऐसा लगता है पहाड़ चढ़ना है, लेकिन आप टाइम अगर इसको लेके चलो ना, देन वन स्टेप एट अ टाइम लेके चलो, तब आसान लगता है सर। बिल्कुल लगता है कि अगर एक चीज कोई इंसान इतने सालों से यूज कर रहा था, आप उससे ले रहे हो, तो धक्का लगता है। इट्स नॉट एन ईजी स्टेटमेंट। हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं, वो बेचारे रेस्टलेस हो जाते हैं, मैम कदे भी नहीं हूँ, कोई ब्याह शादी थे भी नहीं, ठीक है मेरी सिल्वर जुबली आएगी तब भी नहीं, मैं हनीमून पे जाऊंगा तब भी। आप कभी उनसे पूछो ना उनकी, आई आस्क रिसेंट माई पेशेंट की मतलब वन डिजायर लाइक यू फील लाइक, एंड ही टोल्ड मी मैम बस एक डिजायर है कि मैं फादर के साथ बैठ के ड्रिंक कर दूं, इसकी परमिशन दिला दो, मतलब
सी दैट बिकॉज दैट जब हम सब्सटेंस यूज करते हैं उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स उसको याद है, उसको पेन नहीं याद. तो कोई भी चीज़ जब आप जिससे जुड़े हुए हो इतने सालों से, आप एक पेट के साथ जुड़ जाते हो तो आप ग्रीफ में चले जाते हो, तो जो उसकी लाइफ लाइन बना हुआ था वो आप उससे ले रहे हो, तो ये स्टेज आती है. इट्स नॉट इजी फॉर, इसीलिए डेटा इंटरवेंशन में हम पेन करवाते हैं याद. वो डाइजेस्ट नहीं होती बात उससे कि मैं तो यहाँ पे मतलब इलाज कराने आया था, छोड़ने छुड़ाने का, कम करने का. और फिर पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है. जब हमने बोला कि वो अब उसके अंदर जो लो सैड मूवमेंट, वो जो मूड आ रहा है, दैट डिप्रेशन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी दैट ही कैन नॉट टच दैट. आप देख लिए कि मतलब डिनाई करते कि मुझे तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है जितना ये बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं, दैट इज क्लियर कट डिनाई. मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं था. फिर जब उसकी नहीं चलती तो उसको गुस्सा आता है, जो आप हमेशा देखते हो कि उसकी अब कहाँ से इमोशनल लैंग्वेज निकल रही है गुस्से में. अब वो गुस्से के बाद बार्गेनिंग में आता है कि अच्छा 3 नहीं 2 महीने करा दो. मैं कौन सा कह रहा हूँ, दैट मीन्स पार्शियल एक्सेप्टेंस आ रही है, बट फिर भी क्या चल रहा है, बार्गेनिंग. जब उसको लगता है कि अब बार्गेनिंग भी फैमिली ने बिल्कुल बंद कर दिया है, ना उसका काउंसलर इस चीज को बार्गेन कर रहा है, देन जाके नेक्स्ट स्टेज आती है जहाँ पे उसको अंदर डिप्रेशन हिट करती है, दैट इज लो सैड मूड. अब उसको रियलाइज होता है कि नहीं सच में प्रॉब्लम है, एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट. ये मेरी लाइफ सच में उसने अनमैनेजेबल कर दी थी, डिसफंक्शनल कर दी थी, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है. तो उसकी वो एम्बिवेलेंस चलती रहती है, उसको दिख रहा होता है यार उसके फायदे भी थे, हाँ अब नुकसान भी है, पर अब मैं कर भी नहीं सकता, पर अब मैं लाइफ में आगे अपने आप को वापस कैसे सोशलाइज करूंगा. तो आप देखो उसके अंदर कितनी कश्मकश चल रही है, ये जो दुविधा चलती है ये उसको पुल बैक कर रही होती है. ये मैम खाने के साथ भी होता है, अगर ड्रग छोड़ दो खाना भी हो, अगर मम्मी कहती है कि अब से बर्गर नहीं खाओगे तुम, या जिम ज्वाइन करना है, डाइट शुरू करनी है, तो ये नहीं खाओगे वो नहीं खाओगे, तो एक टाइम पे तो आते लगता है कि ये कैसे कर लूंगा मैं नहीं कर सकता. लेकिन अगर वन डे करे इसको, अगर आज नहीं खाना, अच्छा कल हो गया, कल नहीं खाना, तो ऐसे ना आसान हो जाता है काम. सो इसलिए रिकवरी में बहुत सारे मतलब एक जो टूल्स चलते हैं, स्किल्स चलती हैं, उसमें से एक ये है जो हम कहते हैं कि वन मींस वन डे एट अ टाइम, या वन डे प्रोग्राम. रिकवरी में हमेशा कहते हैं कि कीप इट सिंपल, मतलब आप चीज़ें बहुत ज़्यादा हैप्पीजेटली ये मत प्लान करो, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे. तो रिकवरी के बहुत सारे कोई जो स्लोगन्स हैं वो आपके इतने डीपर मीनिंग में उनका मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं. कीप इट सिंपल, भाई इलाज करा रहे हो तो बस सिर्फ इलाज की तरफ ध्यान दो. तो उसमें वो कहता है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट. जरूरी क्या इस टाइम पे, सेहत बचेगी तो काम करेगा ना, आज सेहत ही नहीं है. कहते हैं रूटीन रख. सो उसमें वो कहते हैं इजी डज इट. घर जाओ तो ये मत सोचो कि अब मैंने पुराने घाटे जाके पूरे कवर करने हैं, क्योंकि जब वो इस प्रोसेस में आता है तो उसको पुराने सारी चीजें लॉसेस दिख रहे होते, तो उसको लगता है कि अब फटाफट मैं सब कुछ ठीक कर लूँ, अपने रिस्पेक्ट भी रीगेन कर लूँ, अपने फाइनेंशियल लॉसेस भी रीगेन कर लूँ, अपने रिश्ते भी ठीक कर लूँ. तो वो क्या कहता है, प्रोग्राम इजी डज इट, कोई बात नहीं, तुम बस अभी अपने ऊपर काम करो. एंड उसी में एक ये आता है जिसको हम कहते हैं, जो टूल है जिसको वन डे प्रोग्राम. वन डे का प्रोग्राम का मतलब है, अगर आप किसी को बोलो कि तुमको जिंदगी भर नशा छोड़ना है, तो शायद वो उसके अंदर डर क्रिएट करता है. वो डर क्या होगा, फेयर होगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. पर जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठ के जब आप बाबा जी से अरदास करते हो कि बाबा जी बस 24 घंटे आप मेरे साथ रहना, 24 घंटे मुझे क्लीन रहना है, मैं जहाँ वीक पड़ूंगा आप मेरे साथ आ जाना, तो एक दिन का जो उसका गोल है वो उससे अचीवेबल लगता है, मेजरेबल लगता है. और अगर किसी को मैं कह दूँ जिंदगी भर का, वो तो खो जाएगा. और अगर मैं बोलूं कि सिर्फ एक दिन 24 घंटे की, हाँ बाबा जी आज मैं सुबह 8 बजे उठाऊं तो कल 8 बजे तक आप मेरे साथ रहना, मैं अपने एक दिन में जितने भी मेरे स्किल्स हैं टूल्स हैं मैं उसको अप्लाई करूंगा, और जहां वीक पड़ूंगा आप साथ रहना. क्योंकि हमारे 7 बजे उठना है तो हमारी सोच वहां पे रुक जाती है, वो एडिक्शन बन जाएगा. नहीं, डैट इज लाइक जब हम रिकवरी में जब शुरू करते हैं तो कहते हैं कि मतलब प्रेयर्स दे रियली हेल्प. एंड बहुत सारी प्रेयर्स इस तरह से होती हैं कि यू गेट अप
ठीक है, तो पहले आपका रिचुअल था नशा करना, तो अब आपने रिचुअल कर लिया दैट जो आपकी हाईएस्ट पावर है आप उसको वेलकम कर लो। क्योंकि बहुत सारे केसेस में जब हम देखते हैं जिस दिन नशा नहीं मिल रहा होता तब भी तो आप परमात्मा से बड़ी डेस्परेट प्रेयर कराते हो कि बाबा जी आज का बस मुझे इंतजाम करा दो, ठीक है, मतलब ये मेरा समा सार दो। जिस तरह से आपने वो डेस्परेट प्रेयर की थी और उनका जुगाड़ होता बिल्कुल ठीक है, उसी तरह जब आप उस परमात्मा को वेलकम करते हो, प्रोग्राम आपको यही कह रहे हैं ना कि पावर ऑफ अदर को एक्नॉलेज करो, जब आप उस हायर पावर को वेलकम करते हो अपने साथ कि आप मेरे साथ रहना, तो अब आपने रिचुअल को रिप्लेस कर दिया। वो रिचुअल थी सुबह उठ के सिगरेट पीने की या पन्नी को ढूंढने की, तो अब आपकी रिचुअल क्या होगी दैट यू आर वेलकमिंग दैट हायर पावर की मुझे एम्ब्रेस करो, मुझे स्ट्रेंथ दो ताकि मैं ये एक दिन का प्रोग्राम मैं कर सकूं। सो दिस इज वन डे एट अ टाइम, कि बहुत लंबा नहीं सोचना, रोज सुबह उठे 24 घंटे का प्लान करो। उससे क्या होगा कि आपकी पास्ट में जो आपको वो रिग्रेट है पेन है वो उससे बच जाओगे, और फ्यूचर की बहुत ज्यादा जो आपको एंजाइटी जो फेयर आता है उससे आप ओवरकम कर लोगे, नहीं तो आप उसमें टू एंड फ्रो घूमते रहोगे। क्योंकि पास्ट हमें क्या देती है, गिल्ट दे देती है, वो हमारे अंदर रिग्रेट ले आती है, शेम ले आती है कि यार तूने क्या क्या किया, और अगर हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो वो हमारे अंदर एंजाइटी और फियर ले आती है। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट था, दैट प्रेजेंट मींस इट इज अ गिफ्ट राइट नाउ, ठीक है, ये प्रेजेंट को इसीलिए बोला ना, दिस प्रेजेंट मींस अ गिफ्ट। अब ये जो गिफ्ट मिला है इसमें कहाँ काम किया आपने, तो प्रेजेंट में आप जस्टिस जब नहीं करते हो, मतलब जो प्रेजेंट में आपके हेयर एंड नाउ में जो आपको काम करने थे वो आपने नहीं किए, उसके कारण फ्यूचर आपका आपको सताता है। क्योंकि यहाँ मेरा ध्यान ही नहीं, यहाँ मैंने ना सीखा ना मैंने समझा ना मैंने सुना, तो अब जब मैं अंदर जाऊंगी तो मुझे घबराहट बेचैनी होगी। तो इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे हमने अपना वहां पे अपने आप को खींच के, माइंड का काम है उसने तो कभी आगे दौड़ना या पीछे दौड़ना, तो आपको खींच के लेके आ रहा हूं, और ताकि आप अपने इस प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करके आप उन चीजों पे ध्यान दे सको जिसको आप रोज अप्लाई करोगे, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, बट अगर खोए रहोगे तो उससे रिजल्ट मिलेगा कुछ भी नहीं। So, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वन डे एट अ टाइम। और इसी अगर हम स्किल में बात करें तो हम अपने प्रोग्राम में, चलो यही बात कर लेते हैं, वैसे ट्रिगर्स पे करनी थी, वी कैन कीप इट फॉर टुमारो। सो इट इज लाइक जब हम कहते हैं हम जीरो से लेके ना हम ड्राइमिंग कराते हैं, हमारे रिकवरी प्रोग्राम का बहुत ये एक टूल है दैट जीरो हम कहते हैं कि जब हम पेशेंट को सिखाते हैं रिकवरी प्रोग्राम में, तो हम वो कहते हैं कि जीरो मींस की जीरो कंपैरिजन, जीरो कॉम्पिटिटिवनेस, जीरो कंबैटिवनेस, जीरो पंगे, जीरो क्लैशेस। आप करना शुरू करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। सो यहां से हम शुरुआत करते हैं कि कहां से, क्योंकि अब हमने पावर देनी है सारी की सारी अपनी मत को, ठीक है, तो प्रोग्राम की शुरुआत कहां से, बिकॉज जीरो इज एन एब्सोल्यूट नंबर। तो एब्सोल्यूट क्या हमने वो क्या करना है, जो ये पंगे हैं शॉर्टकट हैं इनको हमने जीरो करना है। ये जीरो में हमारी कोशिश किस चीज पे, कि रोज अपने करेक्टर डिफेक्ट्स को पे काम करके उनको जीरो की तरफ लेके जाना। क्योंकि क्या होता है, हमें हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि जो लोग गंदे होते हैं वो ही नशा करते हैं, बट एक्चुअली में नशे की बीमारी के बाद वो गंदे बनते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि उनके मूड मिजाज खराब थे, उन मूड को ठीक करने के लिए उन्होंने सब्सटेंस लिया, वो सब्सटेंस उनकी बीमारी में कन्वर्ट हो गया। बट हमें क्या लगता है कि जब हम ये बीमारी अब कैसे जाएगी, जब हम नशा छोड़ देंगे सब्सटेंस चला जाएगा, बट अब ठीक तब हो गए खाली सब्सटेंस माइनस के साथ, जब तक आप करेक्टर डिफेक्ट्स के ऊपर काम नहीं करोगे, उनको माइनस नहीं करोगे, तब तक आप ठीक नहीं हो पाओगे। सो इक्वेशन बेशक वैसे चली थी कि नशे के बाद, ठीक है, हमें लगता है कि बीमारी आई थी, अब नशा चला गया, बीमारी ठीक हो गई, ये बीमारी को ठीक होने के लिए करेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। सो जीरो मीन्स ये जीरो पंगे, जीरो कंपेरिजन, एंड देन वन स्टैंड्स फॉर वन डे प्रोग्राम, कि अपने आप को आपने याद दिलाना। हम हमेशा पांच ग्राउंडिंग टेक्निक्स के बारे भी हमेशा बात करते हैं कि अपने आप को जब आपने हेयर एंड नाउ में लेके आना है,
सपोज आप बैठे और आपको लगता है कि आप खो रहे हो, आप नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, तो हम कहते हैं कि पांच चीजें आप सुन लो। आपको आवाज आ रही है, ये चेयर खड़की मैं बोल रही हूँ, ठीक है, यहाँ से आवाज आई, पांच चीजें आप हेयर करो, देन चार चीजें आप टच कर लो। आई कैन टच माई आई कार्ड, मैं आई कैन टच दिस सोफा, आई कैन टच द फ्लोर, तो चार चीजें टच करना इमिजिएटली शुरू कर दो। थ्री थिंग्स आप लिसन, फाइव थिंग्स सी, देखने आसपास, चार चीजें टच, तीन चीजें सुनने लगो, एंड देन टू थिंग्स आई थिंक आप उसको स्मेल करो, एंड वन थिंग टेस्ट, राइट, जो हमारे पांच सेंसेस हैं, फाइव सेंसेस को, फाइव थिंग्स सी अराउंड, तो आई कैन सी अराउंड द थिंग्स, फाइव थिंग्स, फाइव सी, देन उसके बाद टच, देन हियर, देन स्मेल, एंड देन टेस्ट। मतलब जब हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो उसको पास्ट में जा रहा है या फ्यूचर में जा रहा है, तो प्रेजेंट में आने के लिए सेंसेस क्या होते हैं, सेंसेस जो हम महसूस कर सकते हैं, तो प्रेजेंट में आने के लिए ये स्किल्स हैं, ये एक्सरसाइज है, और आपका जहाँ पे आप फंसे हो जिस थॉट में, आप वापस हेयर एंड नाउ में आ जाओगे। सो ये प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाने के लिए फाइव सेंसेस को हम उन पे ये काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, कि जहाँ पे आपके पैर हैं जमीनी पे, ठीक है, वहीं पे आपका दिमाग भी, जिस जमीन पे आपके पैर हैं तो वहां पे आपका दिमाग भी है। इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, कि मेरे जहाँ पैर है वहां मेरा दिमाग भी है, क्योंकि मेरा दिमाग तो कहीं और चल रहा होता, भटक रहा होता, तो इसलिए इसको बोला गया ग्राउंड, मतलब कि जमीन पे जहाँ पैर है वहां पे आप एक्चुअल में बैठे हो, आप अपने आप को फील कर सको। सो दिस इज 5 4 3 2 एक मिनट, हाँ, व्हाट डू यू वांट टू से? ओके, नोट करना है, इसको रब करके नोट कर दो। सो सिंपल, 5 4 3 2 1, फाइव थिंग्स, चलिए, सी, एंड देन उसके बाद टच, देन हियर, देन स्मेल, देन यू कैन स्मेल अ कप ऑफ कॉफी और यू कैन स्मेल योर परफ्यूम, ठीक है, एनीथिंग, एंड देन टेस्ट अपने हिसाब से, ड्रिंक वाटर, देन यू वांटेड टू टेस्ट, सामने पड़ा है, और अपने टेस्ट पर से यू कैन टेस्ट। सो आराम से आप ये चीजें कर सकते हैं अपने आपको यहाँ पे खींचने के लिए। सो वन ये हो गया, वन डे एट अ टाइम, वन डे का हमने ये टूल किया, एंड देन टू स्टैंड्स फॉर टू वे प्रोसेस, दैट इज विन विन। मतलब हमारा प्रोग्राम हमेशा कहते हैं कि ऐसी डील करो जिसमें दोनों पार्टीज की जीत हो, क्योंकि बहुत सारी डील है, विन लूज, लूज लूज, लूज विन, बट प्रोग्राम कहते हैं कि दो, नंबर टू क्या कहते हैं, विन विन, जहां दोनों पार्टीज का म्यूचुअल बेनिफिट होगा, वही बात हो, वही गेम आगे चलेगी। और नंबर टू हमेशा कहते हैं कि दूसरों की पावर को आप एक्नॉलेज करो, वो उससे क्या होगा, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है, कि आप हेल्प मांगते हो, दैट मीन्स आप अपनी ईगो को कहीं ना कहीं डिफ्यूज कर रहे हो। सो टू इज फॉर दिस टू वे प्रोसेस, एंड हमेशा हम वो कहते हैं कि मतलब एक रिलेशनशिप में भी लव एंड रिस्पेक्ट, इट्स अ टू वे कनेक्शन। तो टू हमेशा उसके लिए स्टैंड करता है कि जब भी डील आप करने जा रहे हो तो आप सोच लो, क्योंकि हमारे पेशेंट्स को बाहर आर्मिटेज में क्या लग रहा होता है कि लूज विन डील होगी, मैम हम हार गए हमारी फैमिली जीत गई। सो विद द पीरियड ऑफ टाइम जब उनका परसेप्शन चेंज होता है, उनका पैराडाइम शिफ्ट होता है, देन वी से दैट कि लूज विन कहाँ डील हुई थी, लूज लूज डील थी, वो भी तो बेचारे हारे हुए परेशान थे, और आप भी इस टाइम पे बेबसी में बैठे हो, तो लूज विन कहाँ पे डील हो गई। जो लोग आप जिनको अपने दोस्त जो आप कह रहे थे, जिनको आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे, आज उनमें से आपके पास कोई बैठा, उन्होंने पता किया। रिसेंटली माई पेशेंट वॉज शेयरिंग कि मैम हम एक होटल में मतलब कर रहे थे सब्सटेंस, ठीक है, एंड आई गॉट ओवरडोज उस होटल में कमरा लेके, एंड उसके बाद क्या था, माई फ्रेंड्स जस्ट दे रन अवे। तो मैंने कहा ये दोस्त जिनके लिए हम मर मिटते कि हमने बाहर जाना, जो हमारा टू वे प्रोसेस है ना निधि मैम, उसमें हमारा एक और माइंड सेट चैलेंज होता है।
बचपन से हमें सिखाया जाता है दूसरे से एक्सपेक्ट मत करो, है ना, कि मतलब कुछ भी ख्वाहिश नहीं रखो, अपना ही बस करो. बट प्रोग्राम सेज जो विन विन सिचुएशन है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, कुछ तुम्हारी, कुछ हम चलेंगे कुछ तुम चलोगे. ये नहीं होता कि वन साइडेड ही होता है. और हम फैमिलीज में क्या होता है कि फैमिलीज ही सब कुछ करने लग जाती हैं, जैसे इनेबलिंग होती है. तो इसीलिए विन विन सिचुएशन में दोनों पार्टीज को बैलेंस करके चलने को बोला जाता है. ऑफ कोर्स शुरू शुरू में पेशेंट को सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, हमें ज़्यादा करना है. बट एक टाइम आता है जहाँ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होती है, चीज़ों को शेयर करना होता है. सो ये नहीं है कि आप एक ही साइड करते जाओ, दैट इज़ अनहेल्दी एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप. वो तो फिर आप एक दूसरे को सक कर रहे हो, यू नो. तो ये वाला माइंडसेट भी इस प्रोग्राम में चैलेंज होता है कि वो अनहेल्दी था. उससे फिर हमारे आता है, एक दिन आता है हम कहते हैं हमने ही सब कुछ किया, मैंने ही किया, फिर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है. सो बेटर इज डिवाइड द थिंग एंड बैलेंस इट. सो इट्स लाइक कि जो इसमें मतलब प्रिंसिपल यूज होते हैं वो यूज होते हैं कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन एंड नेगोशिएशन, इंटरडिपेंडेंस. किसी भी बात का हल निकल आता है बट बात करनी तो सीखो, क्योंकि कम्युनिकेशन भी टू वे प्रोसेस. बट हमें क्या लगता है, हमने अपनी बात कह दी, ठीक है, हम सेंडर हैं. अब रिसीवर ने रिसीव की ना की, वो उसकी सरदर्दी है. हाफ ऑफ दैट कम्युनिकेशन इज डन लाइक दिस, कि एक सेंडर अपनी बात कह देता है, ठीक है, और रिसीवर को वो मीडियम, वो बात पता ही नहीं लगती, ना वो समझना चाहता. सो कम्युनिकेशन में भी टू वे बोला गया. सो कोऑपरेशन में भी, कोऑपरेशन का मतलब क्या है, कि हम इकट्ठे. नेगोशिएशन का मतलब क्या है, कुछ तेरी कुछ मेरी. सो उसमें निकलता है जो भी हम प्रोग्राम के निकालते हैं, ठीक है, वी हैव दैट फ्लेक्सिबल अप्रोच. पावर ऑफ अदर्स को एक्नॉलेज तो कीजिए कि मेरे से नहीं हो रहा था इसलिए मैं हायर पावर की हेल्प ले रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा था मैं दवाइयों की हेल्प ले रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा था मैं थेरेपी ले रहा हूँ. सो दैट इज पावर ऑफ अदर्स, कि जब आप अपनी क्या कर एडमिट कर रहे हैं, अपनी पावरलेसनेस, एंड देन इट कम्स आउट टू बी नंबर थ्री. थ्री स्टैंड्स फॉर, लेट मी थिंक ओवर, ठीक है, एंड देन फोर पे आती हूँ तब तक, ठीक है. फोर पॉइंट फॉर्म आरती सुनाए, चलो. हाँ जी, पर्सपेक्टिव रखो भी असी अपने बंदे की जान बचानी है. इतों शुरू करो, सारे अपने आप च एक बार पुछो भी जे आप पूरा इलाज नहीं कराते तो फिर साढ़े घर च की हो सकता. पेशेंट अपने आप को पुछे, फैमिली अपने आप को पुछे, इतों शुरू होना. क्या हो सकता है जी, खुल के बोलो, खुल के सच का सामना करो. ये इलाज का मतलब है सच का सामना, इस कुर्सियां का मतलब है सच का सामना. एस्केप नहीं करना, आप एस्केप कर करके कितने पहुंच गए हैं. ये घटिया, ये कल्ली शराब पींदा, इहदा सुभाव बड़ा वधिया, ये सारे काम करता, ये ड्यूटी ते भी जाता, ये कभी किसी नाल लड़िया नहीं. ये एस्केप ना करो, ये सारा एस्केप है. रियलिटी आओ, रियलिटी दसो भी जे इलाज नहीं कराते तो की हो सकता. खुल के, खुल के साडा साथ दियो. बीमारी गां साडे बच्चां दी चले गई हुई है. देख लो, जे आपां इत्थे नहीं रुकदे ते फिर जे मेरा ट्रीटमेंट ना हुंदा, मैं अपने ते काम ना करदा ते बच्चां ने नेरियां लिया देनियां. कोई रोक ही नहीं सकता उन्होंने, कोई रोक ही नहीं सकता.
अच्छा होंगे मेरे दोवें बच्चों का इलाज होया हालांकि नशा उन्होंने कभी नहीं किया पर जो करैक्टर फला से ना वो मेरे वाले से मैं खालसा कॉलेज प्रोफेसर ना पंगा लिया ही मेरा बेटा बटाले पढ़ता ही उन्हें उत्थे प्रोफेसर ने कुटता यानी कि जड़ियाँ इलता ही ना इलता एक होंगे आदत एक होंगे इलता जिन्होंने करैक्टर फला कहते वो सारिया मेरे वाली हैं क्योंकि जेनेटिकली ट्रैवल कीतियां थी तो ये थोड़ा जहा अपने मन में ना ठंडे बह के सोचो भी जे आप पूरा इलाज नहीं कराते तो फिर की हो सकता हाँ जी भाजी हाँ जी सर जैसे आपने बोला कि एक पेशेंट जैसे हमारे पेशेंट है मैम को पता है डिप्रेशन में है तो मैंने सोचा कि अब मेरे पापा भी डिप्रेशन में है मॉमी डिप्रेशन में है मैं इमोशनल हो जाती हूँ सभी को देखकर कि मेरे जो ब्रदर है वो आउट ऑफ कंट्री है ठीक है तो मेरी एज अभी 23 है तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है 3 से तो मैंने अमन मैम को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे एक ही गाइडेंस दी कि अगर तुम ना लेकर आती तो तुम भी उसी सिचुएशन में फंस जाती बिल्कुल ठीक है तो फिर हमारे घर में तो कोई नहीं था ठीक है ना तो इसलिए मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि जेकर एक एक घर फैमिली दे विच एक ही मेंबर अगर आप ठीक नहीं है तो ओदे नाल नाल सारे फैमिली मेंबर भी बीमार हो सकते हैं बिल्कुल ठीक है ना तो मेरी एज इतनी नहीं है कि मैं किसी को बोल सकू तो मेरी रिलेटिव में भी कोई नहीं ऐसा मैंने मैम को बताया हुआ तो मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी को अपनी इमोशनल गाइडेंस दूं ठीक है क्योंकि मैं बहुत पेनफुल हूँ जैसे हमने बोला कि खुलकर बोलो लेकिन मुझसे नहीं बोला जाता चलो बहुत बढ़िया पुत्र आप जो शेयर कर रहे हो बेटा ये बहुत बड़ी बात है देखो ताड़ी जो अंदर पेन है ना साढ़े सारे दी यही है कोई नहीं इत्थे कह सकता भी वो ताड़े ना घट दुखी है कोई नहीं नो बॉडी जेड़ा कहिंदा ना मैं खुशी नाल इत्थे बैठा वो झूठ बोलता पिया जेड़ा कहिंदा ना मैं वैसे आके बैठा वा वो झूठ बोलता वो रियलिटी का फेस नहीं करता पिया असल च यह आ भी जे आप इलाज नहीं कराते तो तुम भी पता भी की हो सकता उतों गल शुरू करो फिर इलाज कराने की हिम्मत ताडे जानी है नहीं तो जिहो जिहा इलाज है ना मतलब कि प्रोग्रेस प्रोसैस वाला बंदा हार जाता मैं देखना रोज़ फैमलियां मैं रोंदिया देखना रोज़ देखना मैं इन्होंने हालांकि बड़ी हिम्मत करते पे आ पर हिम्मत टुट जाती बंदे की हर इंसान की एक कपैसिटी होंगी है क्योंकि तुम ये ना समझो भी ये बीमारी हूँ साढ़े घर आई है ये बड़े चिर तो साढ़े घर च है मतलब घर का कलेश बीमारी भावे कोई शराब पींदा भावे नहीं पींदा कोई नशा करता या नहीं कर घर च कलेश एक दूजे ना गल ना करनी जे करनी तो एड्डी उच्ची करनी कि 15 फिर चुप 15 बाद फिर गल होनी फिर चुप साढ़े घर च चुप ज्यादा वा हुण वह जी चुप है ना वो जी साइलेंस इन वायलेंस है ना वो सानू अंदर अंदर खाती रही है वो सानू अंदर अंदर खाती रही है असी उस चीज़ ना नहीं बीमार होंगे जी असी खाने असी उस चीज़ ना बीमार होंगे जी सानू अंदरों खाती है हुण देख लो सानू अंदरों की खाण दिया तो जे आप शेयरिंग करांगे तो हाल निकलेगा साडा शरीर तां करके कमजोर हो रहा सानू अंदरों कुछ खाण दिया और सब तो वड्डी चीज खा रही आ लोकी की कहणगे लोकी लोकां करके अपना बंदा गवा लैणा अहीं बड़े निर्दयी आपां सानू अपने बच्चे नाल प्यार ही नहीं हैगा सानू अपने लव्ड वन नाल प्यार ही नहीं हैगा अहीं लोकां करके उहदा इलाज ही नहीं कराउंदे मैं रोज देखदा लोकी की कहणगे जी अहीं इहदा कल नूं विआह करना उह लोकां ने कहना सेंटर कट के आया जी की करते पे गल आप मतलब कि साइंस के युग के गए वो वेला हों जो दिमागी बीमारियों के इलाज नहीं सी होंगे जो बंदे बन के रखा जाता सी मैं आप देखा साढ़े व्डे वडेर जे किसी ने दिमागी तौर पर बीमार हो जाना ना तो एको गल कहने टेंशन ला ली है इन्हें टेंशन लाई है इनू बंद कमरे च रख दो वध तो वध बीड़ियां ला दो बस इस तो वह तो इलाज ही नहीं होंगे
ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਆ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 2004 ਤੇ 2024 ਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਵੇਡਰਾਜ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ, ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ डिप्रेशन, जो बीमार है उसको कह देते हैं डिप्रेशन। माइक देते रहो भाई साथ साथ। अब ना इतनी प्रॉब्लम्स थी ना इतनी अवेयरनेस थी, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम एडवांस हुए तो बीमारियां भी साथ में उतनी ग्रो हुई। मम्मी पापा घबराहट मान लेते एंजाइटी, लेकिन हम जब बोलते हैं एंजाइटी उसको घबराहट ही मांगते। अच्छा कनव सर, मीनाक्षी आप कुछ कह रहे थे। मतलब जो कॉमन डायलेक्ट है लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, उसमें घबराहट जल्दी एक्सेप्टेंस में आ जाती है। तो वो अंग्रेजी का वर्ड एंग्जाइटी, वो हमें लगता है कि माँ को लगता है कि पता नहीं अंग्रेजी का वर्ड सीखा और पढ़े लिखे भी नहीं थे, तुम्हारे माँ बाप पढ़े लिखे भी नहीं है। नहीं नहीं शुक्र है, नहीं हम पढ़े लिखे ही नहीं, हम तो बेचारे समझते ही नहीं है। मीनाक्षी व्हाट यू वांट टू शेयर? अंकल तुसी गल कर रहे ना लोकी की गैन के, इस चीज तो ना मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना चाहूंगी। मैं मतलब पहले भी किया कि मैं लोगों की परवाह कभी नहीं की, कभी भी लाइफ च जो का मैं होश संभाल लिया ना, मैं एक चीज सीखी अपने आप ही कि मेरी लाइफ है, मेरे नाल जुड़े बंद लाइफ। हूँ जिस तरह मैं हसबेंड का इलाज कराया, उन्होंने जो सर्टिफिकेट इतों मेडिकल बनवाया ना, कोई शर्म नहीं की कि एज ए ऑफिसर उन्होंने प्रॉब्लम आएगी, लोग की कहेंगे। मेरे बच्चे अगों, मेरी डॉटर पढ़ रही है होस्टल च, उन्हें अपने फ्रेंड्स में दसिया कि मेरे पापा का ट्रीटमेंट होया, मेरे पापा अंडर ट्रीटमेंट हैगी है। मैं उन्होंने भी यही शिक्षा दी कि लाइफ अपनी है, अं लोग मगर लग के नहीं चलना। जो जिंदगी कटनी है तो लोगों की सुनो, जो जीनी है तो अपनी सुनो, अपनी फैमिली भी सुनो। वेरी गुड। यस मीनाक्षी आप कुछ शेयर कर रहे थे। मैम मैं भी इसी चीज पे, जैसे अभी सर ने कहा ना कि लोग ट्रीटमेंट इसलिए भी नहीं कराते कि लोकी की कहेंगे, सर मुझे लगता है जब हम लोग हमारा पेशेंट बीमार लाइक ड्यूरिंग एडिक्शन होता है ना, तो ज्यादा बदतर होती है एक फैमिली का स्टेटस सोसाइटी में और फैमिली में। मतलब फैमिली में भी ऐसे ही होता है कि एज अ वाइफ, एज अ मदर, अगर आप देखो, अगर हम अपने नेबर्स की बात करें तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, और बल्कि गलत नज़र से ही देखे जाता है कि इसका हस्बैंड तो एक नशेड़ी है। इवन इन द रिलेटिव्स एज वेल, मतलब अगर हम अपने रिलेटिव्स की भी बात करें, और मुझे ऐसा लगता है सर एज अ फैमिली ना, हम लोग इसलिए भी इस चीज को आड़े आने देते हैं कि कहीं ना हम लोग ही नहीं चाहते अपना कंफर्ट जोन छोड़ना, क्योंकि ट्रीटमेंट में आने के लिए हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ेगा, और एज अ फैमिली हमारी इतनी इनिशियली कैपेसिटी नहीं होती कि हम डिस्कम्फर्ट फेस कर, क्योंकि ये कुर्सियों पे बैठना जो स्टार्टिंग की बेचैनी होती है ना 4-5 महीने की, क्योंकि जो रियलिटीज हमें सुनने को मिलती हैं तो वो अंदर तक मतलब हिल जाता है इंसान की, हाँ भाई मेरे अंदर इतना कुछ। पेशेंट तो बहुत बाद में आता है, पहले तो मैं ही फुल ऑफ करेक्टर डिफेक्ट्स हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है, या फिर ये फैमिली का एक डिनायल होता है कि लोकी की कहेंगे, क्योंकि अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ता है इस ट्रीटमेंट में आने के लिए। कंफर्ट जोन के साथ हमारे अंदर शेम भी तो इतनी साथ में चल रही होती है। ठीक है, हमने कितनी बार उसको पार्टीज में गिरते देखा, हमने कितनी बार लड़ते देखा, हमने कितनी बार अपने बच्चों के सामने तू मैं पे खुद को करते देखा। तो हमें तो खुद बिलीव हो जाता है कि समथिंग इज लाइक रियली रियली रॉन्ग। पर मैम जैसे ट्रीटमेंट में आने के बाद ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम लोग पहले छुपाते थे ना, मतलब जब हमारा पेशेंट हॉस्पिटल आया और इनका एक मतलब एक कंडीशन थी कि मैं हर्मिटेज अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, नहीं तो सब लोग पूछेंगे कि मोनू कहाँ पर है, है ना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है इनिशियली हम जैसे छुपा रहे थे ना, तो मेरी सारी एनर्जी तो वहीं सक हो रही थी। अब तो मैंने अपनी वर्क प्लेस पे भी बड़े अच्छे से डिस्क्लोज कर दिया है दैट ही इज हैविंग बाइपोलर डिसऑर्डर, और मुझे कभी भी छुट्टी लेनी पड़ सकती है,
पीछे भी लाइक 6 मंथ्स बैक भी जब इनका थोड़ा सा हुआ था डिप्रेसिव फेज, तो मैं तब भी पूरा 10 दिन का ऑफ लेके, मतलब हालांकि प्राइवेट जॉब है बट स्टिल मतलब वो बहुत इजी हो जाता है फैमिली के लिए, क्योंकि एक एक्सेप्टेंस आ गई है ना कि अब हम रियलिटी को हेड ऑन कर रहे हैं ना, फेस कर रहे हैं, हमारी शेम हीलिंग भी हुई होती है। जितना हमने बताया उतना हमें सपोर्ट मिला, बिल्कुल, पर जितना हम पा रहे थे उतना ही हम अंदर से भूलते जा रहे हैं, बिल्कुल। हमारी अपनी स्टोरीज जो दिमाग में चलती रहती है ना, वो हेल्पलेस स्टोरी वाली, उसको हम बताने में कभी हिचकिचाते ही रहते हैं। हमें पता है कि अगर हम मदद मांगेंगे तो 4 लोग हमारे साथ खड़े होंगे, पर मैं अपने अंदर एक इतनी कहानी हेल्पलेस वाली चलाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि ये कमरे की बात बाहर जाए। और जितना आप देखो कि आप बताते हो, आपने बताया तो पीपल आर कमिंग आउट ऑफ द स्टिग्मा, बिल्कुल ठीक है। आप हेल्प मांगते हो तो दे अंडरस्टैंड दैट कि हाँ इशू है, तो आपको प्राइवेट जॉब में भी उन्होंने फिर कोई क्वेश्चन नहीं किया। अगर आप एक स्टोरी यहाँ पे झूठ की बनाते हो और उस एक झूठ को बताने के लिए 100 ऊपर कहानियां बतानी पड़नी थी, तो मुझे बताओ इलाज कहाँ गया? बिल्कुल, आपका तो वो उसमें छुपाने में लुकाने में ही सारी एनर्जी चले जानी थी, तो जो एनर्जी यहाँ चाहिए थी वो तो है ही नहीं आपके। दीदी मैं तो एक चीज कहना वा, भावे नौकरी प्राइवेट हो भावे सरकारी, जो तुम ऑनेस्टली डिस्कलोज कर देंगे ना सब कुछ, तो तुहाडे च भी चेंज देखते हैं, अफसर चेंज देखते, तुहाडे कलीग देखते आ, वह भी तुहानू फिर तुहाडी हैल्प करते, रिस्पैक्ट भी करते हैं भी यार ये बंदा पहला की हुंदा सी ते हुण ये बंदा की है। गल समझो ना, तुसीं जिहड़ी तुहाडे च चेंज आंदी आ ना, लोकी उस चीज़ नूं रिस्पैक्ट करते आ, वह वक्री गल है। स्टार्टिंग तो टॉटिंग करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, पर एक टाइम तो बाद मतलब कि विद द हैल्प ऑफ फैमिली बंदा एक स्टेटस से पहुंच जाता है, फिर सारे मदद करते हैं। तो हिसाब ला भी मैं मतलब कि 19 च रिटायर होया, तो उस तो 4 च मैं इलाज कराया, 4 ते 19 ला लो, तो 12 साल मैं नौकरी, 16 साल 15 साल नौकरी वधिया कीती आ, तो मैं आंदा ही रहा इत्थे, मैनू कदी किसी ने डकिया नहीं, क्योंकि मेरा जिहड़ा आउटपुट सी वह बहुत जबरदस्त हो गया। मैं जो इत्थे आया सी मेरी विदाउट पे सी, मैं इत्थे मतलब कि तुसीं हिसाब लाओ भी मैं 2.5-3 महीने विदाउट पे छुट्टी करके ना, मैडिकल भी नहीं ही हैगी क्योंकि ड्यूटी तो कभी जाना ही नहीं, गए तो महीना झड़ी लग गई, मुड़ के गए ही ना, अर्निंग लीव भी खत्म हो गई, मैडिकल लीव भी खत्म हो गई, जो मैं इतने आया उदो विदाउट पे सा, तो मुड़ के फिर छुट्टिया तो छुट्टिया जुड़निया शुरू हो गई। वह कारण यह सी टाइम सिर सौना, टाइम सिर नहाना, टाइम सिर खाना, तो टाइम ना पग बन लेनी, फिर जाना कितने जे, फिर कितने जाना। एंड 19 दे विच तुसीं हिसाब लाओ मेरिया 400 तो प्लस छुट्टियां ही, 300 छुट्टियां ते मैनू 9.5 लाख रुपया मिलिया सी, हिसाब लाओ। तो मैं कभी सोचा नहीं भी छुट्टी तो पैसे मिलणगे, पर तुहाडी लाइफ रूटीन चेंज होगी, लाइफ चेंज होगी। और सब तो वड्डी गल आई भी पीण वालियां दा मैं पता ही कट्टिया गया, मेरे बच्चों ने जां मेरी वाइफ ने कहना वो तुहाडे बड़े यार हुंदे सी, वह चिली चिकन वाला, बटर चिकन वाला, देसी मुर्गे वाला। मैं कहा मर गए सारे, जब आपको पता है आपकी इंटेंशन बहुत प्योर है, ठीक है, तो अपने आप वो सिंसेरिटी हार्ड वर्क दूसरों को देखना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो भी हमें हमेशा कहती हूँ रिकवरी भी कंटेजियस होती है। तो जब आपके अंदर ठहराव आता है, जब आप इतनी इस मतलब शेम से निकल के आप बताते हो कि जी ये प्रॉब्लम है, हो सकता है इनिशियली आपको सरकास्टिक रिमार्क्स मिले, आपकी पीठ पीछे स्टार्टिंग तो दीदी होता है क्रिटिसाइज, आपकी इंटेंशन प्योर होती है, आप लगे रहते हो, फिर दूसरे इंसान को लगता है कि यार ये तो लगा हुआ है, तो उससे वो पीछे बैकफुट पे आ जाता है, क्योंकि सच में आर्ट प्लस तो पावर है ही है ना। दीदी मैं जो ब्याह से जाना ना, तो मैं कहना नहीं, तो आवाजा की आनी 900 चूहे खा के बिल्ली कहते गल करता वा, ये बड़े भंगड़े पौन डे 10 मिनटा बाद वेखी पागे की, हरे तैयारी की थी भी टाई टूई बड़ी ला के आया, तो बस 1/2 घंटे बाद अंग्रेजी बोलनी शुरू हो जानी है, तो नाल ही इत्थे, पर कुछ भी नहीं होया क्योंकि मैं इत्थे आंदा रहा, इत्थों सीखता रहा भी लोगों ने तेरे ते कोई विश्वास नहीं करना, तो विश्वास दवाई भी ना किसी नूं, तू ठीक होया अपने करके, देख तेरी जान बची है, तू अपनी जान बचाउण करके हाँ वेख ला कि हालत च। दीदी आप कह रहे थे ना सुबह उठ कर, मैनू पुछ के वेखो सवेरे उठ के की हाल हुंदा, जो 4 बजे जाग आउंदी आ ना, तो घबराहट हुंदी आ, एंजाइटी हुंदी आ, बेचैनी हुंदी आ,
ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜਦੇ ਜੇ ਮਗਰ ਘਰ ਦੀ ਮਗਰ ਭੱਜਦੀ ਆ ਨਿਆਣੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ ਘਰ ਚ ਐ ਦੰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੂਹੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਬੂਹੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤੇ ਤੇ ਕਰੋ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ सब तो वध असर बच्चिया ते पैंदा मेरा तजर्बा ही सब तो वध असर बच्चिया ते पैंदा बिलकुल सही है सर बच्चे सब तो वध मतलब आप ये कह रहे हो ठीक है बट ये जो पेनफुल है बहुत प्रोसेस रिकवरी का भी क्योंकि सालों साल लग जाते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे सफर करते हैं हाँ। बच्चे इतना सफर करते हैं कि उनकी भी आधी जिंदगी खराब हो जाती है मतलब इसमें नॉन सीरियस होकर ये सोचना मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये बीमारी की रिकवरी में भी कई बार सालों साल लग जाते हैं सालों साल मतलब इतनी दूर तक इस बीमारी की छाप जाती है कि कई बार एक जनरेशन दो दो जनरेशन खराब हो जाती हैं, तीन तीन जनरेशन खराब हो जाते हैं एंड इट इज वेरी वेरी पेनफुल मतलब हम भी मतलब रिकवरी में चलो हैं बट अभी तक हम इतने सालों के मतलब जो चीजें हुई हैं उनकी भरपाई कर रहे हैं आर चिल्ड्रन आर सफरिंग मतलब आई लॉस्ट माई फादर माई हस्बैंड लॉस्ट हिज फादर my husband got into treatment, his brother got into treatment, और सबसे ज्यादा जो अभी सफर कर रहे हैं वो हमारे बच्चे कर रहे हैं मतलब अभी उनका कोई फ्यूचर क्लियर नहीं है तो आप ये सोचो कि बिना प्रोग्राम बिना ट्रीटमेंट बिना सपोर्ट आप कर लोगे मतलब ऑप्शन ही नहीं है जो हम लोग इतना सारा वो बनाते हैं ना ऑप्शंस किंतु परंतु जैसे आप मैम बात कर रहे हो आप सोच ही नहीं सकते कि अगर आपके हस्बैंड ठीक नहीं हुए तो आपके आगे बच्चे का क्या होने वाला है मतलब यू कांट इमेजिन तो जब आप छोटी छोटी चीजों में फंसते हो ना दूर से कैसे आएंगे दूर है गर्मी है सर्दी है तो आपको कोई अंदाजा नहीं है कि अगर ये बीमारी आपके घर के घर से नहीं गई व्हाट कैन हैपन मतलब अभी आप ये बात कह रहे हो मतलब आई हैव सीन माय हस्बैंड एंड देन आई हैव सीन माय सन गेटिंग ट्रीटेड मतलब उससे बड़ा पेन नहीं हो सकता है तो जो यहाँ पर बैठ के सीरियस नहीं है और अभी भी हंस सकता है इसका मतलब वो बहुत बीमार है तो हमारे घरों में ट्रॉमा देखा है बच्चों ने निग्लेक्ट देखा है अब्यूज देखा है साइलेंस देखी है वायलेंस देखी अब आप ये बच्चे बताओ क्या बड़े होंगे अब जिनको माहौल ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10-10, 12-12 साल से माहौल मिला है तो ये बच्चे कैसे ग्रो करेंगे जहाँ तक वो खुद एंटी सोशल बनेंगे जब वाइस वर्सा बिल्कुल अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी जो बिल्कुल भी बात करने के लिए तैयार जिनके अंदर डर बैठा हो और हम देखते हैं जब हम हिस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं तो हमें दिखती है क्लियर दिखता है हम पूछते हैं बच्चों से कि चाइल्डहुड में मतलब पेरेंट्स का आपस में कैसा था तो ही सेड दैट मैम रोज कलेश होता था तो हम छुप जाते होते थे टेबल के नीचे अब आप देखो कि जो बच्चा हमेशा जो फेयरफुल रहा फादर के आने से उसकी अपब्रिंगिंग क्यों हमारे बच्चों ने तो यही सीखा जहाँ तो रेबेलियस हो जाते हैं वो ठीक है क्योंकि वो जब देखते हैं अगर मदर के साथ इतना ज्यादा फादर ने हमेशा वायलेंस या अब्यूज किया है उसको फिजिकली तो कल को वो भी बच्चा क्या करता है वो निडर हो जाता है वो हर किसी को गले से पकड़ता है जहाँ हमेशा बच्चा सबमिसिव बन जाएगा वो अपनी बात कह ही नहीं पाता डरा डरा हमेशा छुपा छुपा छुपके अब इन दोनों केसेस में बच्चे के लिए यहाँ पे सब्सटेंस बहुत ईजिली एंट्री करे तो आप हमारे घर में नॉर्मल थे कहाँ पे जहाँ वायलेंस थी जहाँ साइलेंस थी इसके अलावा तो कोई लैंग्वेज नहीं थी हमारे घरों में सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ा वो बच्चों को क्योंकि उनको कौन सा माहौल मिला जो माहौल मिलना चाहिए था हंसी का केयर का लव लाफ्टर सनशाइन वो क्या मिला कलेश हर टाइम पे तू मैं का दरवाजे बंद तो उन्होंने भी क्या सीखा कि बात नहीं मानी जा रही दरवाजे बंद कर दो अगर बात नहीं मानी जा रही तो घर से निकल जाओ बिकॉज उसने बचपन में देखा है फादर को कि लड़ाई होती थी तो वो दूसरा जना बाहर निकल जाता था जब कमरे बंद ठा जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चों में ये बिहेवियर्स कहाँ से आए तो समवेयर कहीं ना कहीं वी आर रिस्पॉन्सिबल
बच्चों ने कहाँ से सीखा, बच्चे तो घर का माहौल थे, जो घर के माहौल में हुआ उन वो ही बाय प्रोडक्ट है वो। तो आज हम उनको क्वेश्चन करते हैं कि हाँ आप ठीक नहीं है, आपके बिहेवियर ठीक नहीं है, सो आस्क योर सेल्फ कि बच्चों को हमने दिया। एट द सेम टाइम प्रोग्राम एट द सेम टाइम प्रोग्राम डजंट से कि पेरेंट्स ने जानबूझ के किया, मतलब प्रोग्राम इज ट्राइंग टू से कि हम सब अच्छी फैमिलीज हैं, पेरेंट्स कोई भी गलत नहीं है, बट हमारे अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, अनहेल्दी था जो हमारी फैमिली को नहीं पचा, तो यहाँ पर बैठकर हम उनको हेल्दी बनाएं अपने बिहेवियर्स को। जो स्किल्स की मैम बात कर रहे थे कि कैसे कम्युनिकेशन बेटर करें, या साइलेंस होता है या वायलेंस होता है, बैलेंस में हमें रहना नहीं आता, संतुलन में हमें रहना नहीं आता, यहाँ पर बैठ के हम रहना सीखते हैं। मतलब जो कहते हैं ना कि किंतु परंतु करते हैं, ऑप्शन क्या है यहाँ पे, जो एक पर्सन बैठा आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर ये लाइफ लाइन, ये प्रोग्राम हमारी लाइफ लाइन है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, अगर हमने ये भी नहीं लिया ना, बाहर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस लाइफ लाइन के साथ भी बाहर की दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। अगर ये सपोर्ट भी हमारे पेशेंट और फैमिली को नहीं मिली, मतलब वी कांट एग्जिस्ट, तो ऑप्शन नहीं है। जब आप बड़ा सोच सोच के मीटिंग में आते हो, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान नहीं है रिकवरी, और इस प्रोग्राम के बिना पॉसिबल नहीं है, मगर हमारी लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आपकी ऑप्शंस खत्म हो जाएगी ना, तो रिकवरी आपके घर में आएगी। जब आपको दर्द हो रहा होगा ना, तो आपको रिकवरी आएगी घर में, तो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। जब आपको लगेगा नहीं हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, काम है ये है, तो इसका मतलब अभी हमें और हाथ से देखने हैं, अभी हमारी किस्मत में और पेन है, तब जाके हमारा दिमाग खुलेगा और हम एक्शन लेंगे। और तो प्रोग्राम वॉर्न कर रहा है, प्रोग्राम आपको वॉर्न कर रहा है कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये हो सकता है। अब आपको सुनने में बुरा लगे, जैसा मर्जी लगे, कड़वा लगे, बट दैट्स द ट्रूथ। तो ये वाली चीज हमको अपनानी पड़ेगी। मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ द प्रोग्राम इज कि दैट यू हैव टू बैलेंस योरसेल्फ। हमेशा प्रोग्राम कहते हैं कि 0 to 10 के स्केल में, एंड दैट इज द सबसे बड़ी लर्निंग ऑफ द प्रोग्राम कि आप 4 to 6 में हर चीज को रखने की कोशिश करें, चाहे आपके मूड हैं, चाहे आपके इमोशंस हैं, चाहे आपकी कम्युनिकेशन है, कोई भी चीज एक्सट्रीम हुई, ठीक है, जैसे हमने बोला बिहेवियर अगर बहुत एक्सट्रीम हो गया तो वायलेंस में चला जाएगा, बोलचाल बंद होगी तो साइलेंस हो गया, स्टोन वॉलिंग हो गई, आपकी अगर एंगर बढ़ गया तो आप तोड़फोड़ पे आ गए, ठीक है, नहीं किया तो आप बिल्कुल फिर कमरे में जाके बैठ के, शेम बिल्कुल ना हुई तो हम सोशल नॉर्म्स नहीं फॉलो करेंगे, और अगर हम टॉक्सिक शेम में चले गए तो भी हम अपने आप को होल्ड बैक कर लेंगे, हम ज़रूरत से ज़्यादा खुश हुए तो मेनिया में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं उठे, बिल्कुल उदासी में चले गए तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो बिगेस्ट लर्निंग ऑफ द प्रोग्राम इज कि एवरी थिंग नीड्स टू बी इन टू 4 to 6, और अगर ये करना हम बैलेंस करना सीख लें, दिस इज वॉट इट इज, जो हम 3 पे बज आउट हो गया था, लेट मी कम बैक, दैट 3 वॉज गिविंग योर 33%, एंड दिस इज 33%, कि 33% करना क्या है आप, कि आपकी ये जो लाइफ में है, आप अपने मूड, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने रिश्तों को बैलेंस करना सीखें। This balancing is an art. This balancing is a skill जो आप सब सीख सकते हैं, हम भी सीख रहे हैं। The biggest advantage is कि जब हम program सिखा रहे थे तो हमें नहीं पता था कि सिखाते सिखाते हमारी life खुद इतनी निखर जाएगी। ये तो blessing in disguise हो गया। और जब हम बता रहे होते हैं तो वो discrepancy भी दिख जाती है। अरे बोलते तो तू वहाँ पे आई थी, look yourself, are you working out on that? So biggest advantage is like वो balance करना सीख, वो प्रोग्राम आपको सिखाता है, एंड दैट बैलेंस करना है कि 33% अपना करो, परफेक्शनिज्म में मत जाओ। परफेक्शनिज्म अगेन मींस कि बिल्कुल स्केल में आप एक्सट्रीम में पहुंच के और बिल्कुल नहीं कर रहे तो इसका मतलब बिल्कुल आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, यही दो पोल्स होंगे। सो लाइफ इज ऑल किसके बीच में, 4 to 6 में, ये सीखना है हमने। अगर सोचो में बहुत ज्यादा शक आ गया तो हम गए, और बिल्कुल हम कंफ्यूज हो गए तो गए।
सो एवरीथिंग ऑन अ मतलब रेटिंग स्केल अगर हम 0 से 10 में लें तो हम आसान से लाइफ को बैलेंस करना सीख सकते हैं। हम सुबह उठ के देख सकते हैं कि हमने उसको बड़ा है तो कम कर लें, बिल्कुल 0 है तो उसको ठीक रेंज में ले आए, एंड इट्स ओके कि कभी कभार फ्लक्चुएशन, इट्स ओके क्योंकि ऐसा नहीं है, बट कोशिश ये है कि हमने उसको बैलेंस करने में लगाना है। दिस इज द प्रोग्राम इट्स ऑल अबाउट, एंड दिस इज व्हाट बीमारी इज ऑल अबाउट, कि हम यहाँ पे एक्सट्रीम वाली फैमिलीज आई हुई है, या तो घर में ओवर इमोशनल है, लॉजिक नहीं है, या बिल्कुल ही लॉजिक है एक्सट्रीम में, या बहुत मिला होता है या कुछ भी नहीं मिला होता है, बैलेंस है ही नहीं। यहाँ पर बैठ के हम सीख रहे हैं कि बैलेंस करते बैलेंस कैसे करते हैं। एक्सट्रीम्स में डिप्रेशन आता है, एक्सट्रीम्स में एडिक्शन आती है। नॉर्मली हम जो फैमिलीज यहाँ पे बैठे हैं उनके अंदर एक्सप्रेस्ड इमोशन की अगर बात करें तो वो एक्सप्रेस्ड इमोशन क्या है कि जहाँ तो वो ओवर प्रोटेक्टिव है, सब कुछ करने के लिए तैयार, हर चीज अपने बेटे को रेडीमेड, वो आला दिन का जिन जिसे वो बोले और अब आगे तैयार कर, दैट इज लाइक फर्स्ट एक्सप्रेस्ड इमोशन जो हमारी फैमिलीज में यहाँ पे, क्योंकि एक्सट्रीम है कि उसको मतलब बिल्कुल सी भी चुभन पेन तो चुभने ही नहीं देंगे कि हमने कमाया किस लिए, अगर हम इसको ही नाश करा सकें तो भाई आपने करा कमाया, आप अपना लाइफ का ग्राफ देखो, आज आपको वैल्यू किस चीज की है, आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसे बढ़ा है, क्योंकि आप अप्स एंड डाउन्स में गए हो। आप उसको सिर्फ अप रोजी साइकिल दोगे तो जब उसकी लाइफ में कोई आएगा चैलेंजिंग टाइम तो वो क्या करेगा। सो नंबर वन इज हम वो एक्सट्रीम फैमिलीज हैं जो ओवर प्रोटेक्टिव है, जो बिल्कुल थाल में सजा के सब कुछ देने के लिए तैयार है, जब वो थक जाती है तो उसके बाद वो क्या हो जाती है, हॉस्टाइल हो जाती है, फिर वो ताने प्रोवोकिंग क्रिटिकल रिमार्क्स, तेरे लिए सब कुछ कर दिया, तूने कभी ठीक होना ही नहीं है, वॉट आई हैव नॉट डन फॉर यू, बट तुझसे ज्यादा तो कोई मीन हो ही नहीं सकता, हम यहाँ तक स्टेटमेंट्स पे रहते थे, हम क्रिटिकल रिमार्क्स में आ जाते हैं, ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और पुरानी अगली पिछली बात भी उसमें भी पूरा, दिस इज अनदर एक्सप्रेस्ड इमोशन ऑफ द फैमिलीज। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जब कुछ नहीं चल रहा होता फिर इनडिफरेंट, फिर बातचीत ही बंद कर, तू कौन मैं कौन, फिर हफ्ता हफ्ता भर हम बात नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए हम सब एक्सट्रीम में हैं, और ये प्रोग्राम आपको क्या कह रहा है कि एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड, और वो बैलेंस क्या होगा 4 to 6, ये सबसे बड़ा स्किल है प्रोग्राम का, कि आप देख लें कि आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं बोल रहे, जरूरत से ज्यादा तो नहीं उसको परोस रहे, जरूरत से ज्यादा तो नहीं उसका बेइज्जती प्रोग्राम कर रहे, जब जरूरत से ज्यादा आपने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे देना दोनों ही आर्ट, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिम्मेवारी डालोगे तो वो उठाएगा ना, बट हम क्या करते हैं, हम सब कुछ करें, फिर एक्सट्रीम। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हम कोई एक्सट्रीम लेवल पे, जहाँ 10 पे ठीक है, दैट मीन्स 8, 9, 10 पे तो नहीं आ गए, जहाँ हम 3 to 1 पे तो नहीं चले गए। सो यहाँ पे हमेशा अपने आप को आपने चेक करना है, ये तो बहुत आसान है, जब हम वाइटल साइंस की बात करते हैं मेरा मूड कहाँ पे है चेक कर लीजिए, मेरे अंदर ये जो इमोशन आ रही है, कोई भी इमोशन आप पकड़ लीजिए, चाहे वो फियर है, चाहे वो शेम है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो हैप्पीनेस है, कौन सी रेंज में चल रही है, आपको दिख जाए, आपकी सोचें भी आपको दिख जाएंगी कि कंफ्यूजिंग है, शक वाली है, कि बिल्कुल ब्लैंक हो पड़े। सो एवरीथिंग आप खुद उसका एनालिसिस कर सकते हो कि प्रोग्राम में आप यहां से जाके आप बेटे को जाके हमेशा क्रिटिकल रिमार्क्स दो तो आप करोगे। So program says 33%, you do your 33%, let another person, let professional do his 33%, and let then 33% उस patient को करने दीजिए, 99%, 1% उस पे छोड़ दीजिए, कि पता नहीं अब क्या होगा, हमारी सबके efforts के बाद भी 1% उसकी मर्जी होगी, grace कब गिरेगी वो उसको पर, बट आप कोशिश तो करिए। तो इस बीमारी में कई बार क्या होता है कि एक्सट्रीम अप्रोच उसमें भी आ जाती है कि इलाज हुआ उसके बाद कभी रिलैप्स नहीं हो, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि पेशेंट का रिलैप्स हो, बट मैं कह रही हूँ इस बीमारी में रिलैप्स हो सकता, बीमारी के सिम्टम्स वापस रीअकर हो सकते हैं, ट्रिगर कोई भी हो सकता है, बट अगर आप एक एक्सट्रीम माइंडसेट के साथ जाएं कि अब इसका रिलैप्स हो गया तो बिल्कुल सब कुछ खत्म,
ही इज अ फेलियर, ठीक है, मेरे कर्म खराब, इसके कर्म खराब, इसने कभी ठीक ही नहीं होना. सो डोंट गो बाय दिस एक्सट्रीम अप्रोच कि रिलैप्स कभी उसका हो ही नहीं सकता. इनफैक्ट सारा का सारा प्रोग्राम उसके रिलैप्स को मिनिमाइज करने के लिए भी है. बट अपेरेंटली कई बार मेडिसिन के चलने के बावजूद भी पेशेंट का रिलैप्स हो सकता है, बहुत कारण होते हैं. और दूसरा एक्सट्रीम अप्रोच क्या आती है कि हमने इलाज ही नहीं कराना. जब रिलैप्स होएगा तो हम क्यों कराएं, क्या गारंटी है, ठीक है. एक तरफ आप देखिए हम इलाज कराने के लिए नहीं आते और एक तरफ हम कहते हैं कि रिलैप्स ना हो. यहाँ पे भी बैलेंस चाहिए. बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कहती है कि हम नहीं इलाज कराएंगे, मैं तो इसको फारगती दे दूंगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे रोज आके बैठ के करें. हमने वी हैव सीन दैट अप्रोच ऑफ द फैमिली ऑल्सो. सो आप देख लीजिए दोनों एक्सट्रीम अप्रोचेज हैं. फिर से यहाँ पे फिर बैलेंस कीजिए कि आपसे जरूरत होगी. आप पेशेंट पे एक्सट्रीम अप्रोच डाल दीजिए कि सिर्फ यही ठीक होगा, यही समझेगा, मुझे नहीं करना, फिर आपका एक्सट्रीम अप्रोच. तो यहाँ पे क्या हुआ, 33% आप करिए, 33 वो करेगा. यहाँ पे एक्सट्रीम बोला है कि हमारा पेशेंट आया, हमने उसके ऊपर बोझ डाला कि 100% सिर्फ यही काम करेगा क्योंकि यही बीमार है. हमने कभी एडवोकेट किया इस 100% अप्रोच को? हम तो हमेशा बैलेंस ढूंढ रहे. 33%. सो अपने इन चीजों को, अपने जो आपके अंदर ये जो सोचा चलती है उनमें पकड़िए और हमसे उसके बारे में डिस्कस कीजिए कि सही क्या है, कि मैं फॉल तो नहीं हो रही उस ट्रैप में. क्योंकि बीमारी तो चला फंसा के उसने कहीं से भी निकल जाना आए. यदि आम करके मत की फैमिलियां कहती हैं भी पैसे बड़े लगते, ठीक है, बेइज्जती बड़ी होती है, बढ़िया चीजा कहते हैं, पर मैं कहना जे तुम ना इलाज कराओगे फिर पैसे नहीं लगनगे, फिर वे हस्पता च पैसे लगनगे, फिर थाने च पैसे लगनगे, कचहरिया च पैसे लगनगे. मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा, जे असी इलाज च इनवैसट नहीं करते तो फिर कितने इनवैसट करांगे. दसो बीमारी ने थोड़ी रुकना वा, बीमारी ने तो अपनी चल चली जाना, उन्हें प्रोग्रेस करी जाना, तो तुहानू ज्यादा खतरनाक नैगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस दिखाएंगे. मैं देखा एक साढ़े को पेशेंट सी 105 नंबर च, ते 2 साल की गल है, अमनदीप ना आता, नवे शहर तो आया, तो नवे शहर तो साडा कोई पेशेंट ठीक होया सी, उन्हें अपनी रैफरेंस से भेजा, कहिंदे जी असी इस तरह तरह फलानी रैफरेंस तो आए. मैं कहा ठीक है. वो पेशेंट का फादर इंग्लैंड रहिंदा सी, ते उन्हूं बाकी 20 साल होए सी यूके गए नूं. चलो ट्रीटमेंट शुरू होया, उन्हें मेरे नाल गल्लां बातें कीतियां. एक्चुअली उन्हें अपने फादर नाल बड़ी रिजेंटमेंट थी, उन्हें फादर ने यूके जाके एक होर विआह कराया होया सी, तो मत की रिजेंटमेंट हैगी थी, उन्हें मेरे नाल खुल के गल की, पर माता इस गल ते पड़दे पावे, उहदी जिहड़ी मदर सी उह पड़दा पा गई. चलो आपां कुछ नहीं किया, आपां कहा वी जे प्रोग्राम अगे चलेगा तो फिर जदों इन्हां दी कपैसिटी बनूगी सच्चाई सुनन की, फिर इन्हां नाल उस लैवल ते भी गल कर लांगे. चलो होया कि पहला आज बड़ा नाँ सुनिया, ताड़े बड़े पेशेंट इतों ठीक होए, फलान ढीं गया, अभी तो मुंडा चढ़ा ही दिता ताड़े को. मैं कहा चलो चलो 5-7 दिन बाद जो उन्होंने भुख लख लगनी शुरू हुई, रोटी पानी खाना शुरू किया, उन्हें थोड़ी जी हस हस के गल कर शुरू की, 2-4 बारी माता को माफ़ी मुफी मंगी, माता तो विटर गई. वो तो कहती मेरा मुंडा तो है ही ठीक है, तुम तो अभी बधा चढ़ा के दसन डे जी. चलो होया कि जी वो बहाना की लाया भी यदा फादर बहर रहा तो वह पैसे नहीं भेजते, इस करके अं इलाज नहीं करा सकते, नाले ना ये बहर के पेपर लगे आ, इन्हने बहर जाना वा, तो आप एजेंट तू पैसे दते आ, तो फिर सारा साडा काम बिगड़ जाना, यदि लाइफ का सवाल है. मैं कहा जी अं भी तुम ही कह रहे भी यदि जिंदगी का सवाल है, यदा इलाज पूरा कराओ. पर घरद्या ने देखा भी ये ठीक हो गया, ये वधिया वधिया गल्लां कर लग पाया, घर दे उहदे झाथे च आ गए. चलो जी एक टाइम का वास्ता पाया भी टाइम नहीं हैगा, पैसे नहीं है, कितना कुछ कह के तो चले गए छुट्टी लै गए. एक दो बारी आए दवाई लैन, मुड़के आए नहीं, सानू भी चेता भुल जाता, जिहड़ा पेशेंट आंदा रहे सानू वह चेते रहिंदा, तो जिहड़ा ना आवे साढ़े भी आउट ऑफ माइंड हो जाता. मैं ना दुपहर ही आया तो उदो उत्थे नुक्कर च दवाई मिलती, कैमिस्ट की दुकान नुक्कर च सी, तो मैं आया तो उन्हें मेरे पैरी हाथ ला दिता, सर की हाल ने, मैं कहा ठीक है. उहदी मदर भी, सर की हाल ने, मैं कहा ठीक है. मैं गल कह के अगे आ गया, मेरे तो दिमाग च नहीं आया भी कौन हैगा, वो मदर आई मेरे मगर,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਪਛਾਣਿਆ ਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਉਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ। ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੇਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਛਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਾਸਤੇ 4 ਘੰਟੇ। ਚਲੋ ਆ ਚਲਤੇ ਹੈ ਸਰ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕੇ ਲਈ 4 ਘੰਟੇ, ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਛਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਾਇਪੋਲਰ ਹੈ, ਸਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ, ਪੈਰਾਨੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਜਸਟ ਗਾਟ 2 ਡੇਜ਼ ਬੈਕ ਆਈ ਗਾਟ ਅ ਕੇਸ ਜਿਸ ਮੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੋ ਉਨਕੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਉਨਕੋ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਔਰ ਜਬ ਵੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੋ ਉਨਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਾਟ੍ਰਿਸਟ ਨੇ ਵੋ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਪਸ ਫੁੱਲ ਬਲੋਨ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। तो कहते हैं कि मैम यहाँ के साइकियाट्रिस्ट ने बोला था कि बस खिला तो दिए आपने दवाइयाँ, बंद करो अब इसको, ये दवाइयाँ इतनी हैवी डोज में दे दी उन्होंने। सो पीपल, इट्स नॉट अबाउट अस। आप देखिए कि वहां पर भी दीदी, जिन्ना बंदा ज्यादा सियाणा बखाएगा ना उतना ज्यादा फसेगा। सर मैंने कहा था जो पहला खंदे दिंदे उन्होंने फार बेटर सादे का स्पून है, मेरी तो ये थिंकिंग है। वेरी गुड, करो शेयर पुत्र तू। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਉਗਾੜਦੇ ਨੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਵੇਟ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮ ਇਹ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਹੇ ਥੇ,
कि एक दिन में आप कितना नशा करते थे, तो कोई बोला मतलब मिनिमम निकला अमाउंट 1000 और मैक्सिमम 3 to 5 निकला। तो मैंने बोला अच्छा चलो कि हम लेते हैं 1000 अल्कोहल वालों का और दूसरों का 3000 का। तो मैंने बोला रोज का 1000 तो 30 दिन का 30000 तो और उसके साथ खाना पीना नहीं 30000। अब मैंने कहा इसको 12 महीने से करो तो कितना हुआ, अब मैंने कहा इसको करो आगे 10 साल से, ठीक है आप फिर बाकी सब अपनी डायरी में फटाफट कैलकुलेशन कि मैम इतना नहीं इतना ही होगा। तो मैंने कहा अगर तुम कह रही हो कि 10 लाख में तुमने इतना गवा दिया और तुम बैठे यहाँ पे हो अपने सारे इंजर पिंजर हिला के और तुम कहते तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हारा तो वो 30000 ही तुम्हारी कमाई हो गई। जो आप कह रहे हो कि 30000 रुपया आप मतलब महीने का चोरी करके पकड़ के हेरा फेरी करके अपने दुकान की गद्दी से चुराते थे, मैं कौन कहता तू काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी तो कमाई शुरू होगी कि नुकसान बंद हो गया और जो तुमने साल का जो तुमने किया और उसके बाद तुम ट्रीटमेंट करा रहे हो और अब तुम पैसे गिनते हो यहाँ पे। मैं कहा उस हिसाब से तो वहां तो तुम मौत खरीद रहे थे, यहाँ तुम्हें हम जिंदगी दे रहे हैं, फिर तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्यों नहीं इस चीज को लेके होता। दीदी मैंने किसी ने पूछा भी ता एडा वधिया घर है ती कोठी को लई ताडे को पैसे बहुते है, मैं क्या हाँ रोज का 1000 रुपया खर्चा लाओ, महीने का किन्ना होया 30000, साल का किन्ना होया है 20 साल का किन्ना होया, वो 36 बोला था ना उन्होंने तो अब 72 हो गया 72 लाख। ये सिर्फ वो आज जरा नशे का बचिया, बाकी डॉक्टर को जेडे ग्लूकोज लवाने जेडे थाने च भरने तनखा ना आनी बुरे हाल ते बौके दिहाड़े वो वखरे जी। हां जो पकड़े होते हैं जिनकी वापसी का हां ओ ब्याज यही ब्याजी फट लगा देखना कि दे जाओ जेड़ा मर्जी दे जाओ कोई गल नहीं चलन दियो। जो कभी ऐसे अच्छे को 50000 3000 दस रहे वे थे इथे पैसे जांदे वे नशे च भी गए जां पर डॉक्टर आ गए थे इको बंदा ओ पैसे नु ओदी कमाई नु मैनेज ही नहीं कर सकता हां खराब ही करी किलो घर ले जा घर जाके जूसर च पा के कढ़ीए ते सारिया ने पी लेना नीति। अजयपाल भाजी साडे को किसी यार दोस्त ने आना मान लो फिरोजपुर कोई आया उन्होंने कहना चलो जी हाल गेट चलो सारी मच्छी मेरे वालों शराब मेरे वालों जे कि पैसे देने लगना ना तो उन्होंने कहना वो शर्म कर किधर आया तू मच्छी वाले को तू पैसे खर्चन दिया तू कि आया तू तू जसी को आया मेरी बेइज्जती ना कर पैसे दे के ते घर घर दी 50 रुपए मंगे दियो जी 50 रुपए टमाटर दे होने मैं कहना ताडी मां ने इन्ने टमाटर खान लग पे थोड़ा दही पा लिया करो सब्जी च शराब शुरू ना क्या करो आप अपने हस्बैंड का काम के अगले ढूंढ रहे हैं आप देखिए कमाई तो आपके घर में आई रही है ठीक है। आज जो आपने पैसे एंडोस्कोपी में लगाए जो उनका लीवर कॉम्प्रोमाइज्ड है ठीक है जो पैसे आपके वहां लगे तो आज वो तो रुके। आज आपने जो प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल दिया था उसको रीथिंक करना सारे इथो पता लग जाने क्योंकि साडे बच्चे विच भी ओही जीन्स हैगे आ जिहड़े साडे खानदान दी चले आंदे आ किसे ना किसे तरीके नाल कोई ना कोई करैक्टर फला ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਚ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਘਰ ਚ 5 ਜਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ
ਬਾਕੀ ਚੋਣ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਫਰੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਛੱਡੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅਨੂ ਮੈਡਮ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਇਸ ਪੇ सर मैं यही ऐड करूंगी कि अगर हमारे बच्चों को नुकसान होता है एडिक्शन में तो इस प्रोग्राम और रिकवरी हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा भी देती है ये मैंने और हम सब ने बहुत पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मैं अपने एक बच्चे के इलाज के लिए आई थी तो अगर हम ना आते एडिक्शन और जो डिसफंक्शनैलिटी हमारे घर में चल रही थी अगर वो चलती रहती तो मेरे दूसरे बच्चे का भी डिजास्टर ही होना था वो रेडी थी डिजास्टर के लिए पर आज वो बहुत रिवॉर्डिंग लाइफ हम जी रहे हैं मतलब मेरा बच्चा तो जो पेशेंट था वो तो ठीक हुआ हम ठीक हुए एज हस्बैंड एंड वाइफ और हमारा बच्चा जो था दूसरा जो डिजास्ट्रस लाइफ की तरफ चल रहा था वो भी बहुत हेल्दी हो गया तो डेफिनेटली ये एक जनरेशन चेंज प्रोग्राम है हम दो जनरेशन ठीक हुए तो हमें दुखी देखकर जो हमारे से बड़े थे वो भी खराब ही हुए थे बिल्कुल, तो आज वो वैसे चेंज नहीं हुए बहुत क्योंकि वो प्रोग्राम में नहीं बैठे पर हमारे साथ रह के हमारे चेंज से उनकी भी लाइफ बेटर हो गई तो तीन जनरेशन तो प्रत्यक्ष चेंज हो गई है तो आगे वाली भी होपफुली हम जीन्स को डिफाई कर पाएंगे आगे भी हम प्रोग्राम में रह के मतलब मैं ये डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि ये डुएबल है और इसके रिजल्ट्स बहुत बहुत ब्राइट है मतलब एक्चुअली हम सब उन रिजल्ट्स को एवरी डे पर इश्यूज पे रहें इशू हमारा खाली ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड हम प्रोग्राम में इन्वेस्ट करें यस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना ही हमारा इशू है बाकी सारे नॉन इश्यूज हैं चाहे टाइम है चाहे पैसा है चाहे वीजा है चाहे यहाँ बैठना है बैठना ही पड़ेगा पेन को गो थ्रू करना ही पड़ेगा जैसा मैम ने कहा था रिकवरी इज हार्ड एडिक्शन इज हार्ड रिकवरी इज हार्ड चूज योर हार्ट ये है अभी इन्होंने जो बताया कि कैसे जनरेशन चेंज होती है पेशेंट जैसे सर तुसी कह रहे थे कि पेशेंट आया तो रिसेंटली मेरे साथ में एक हमारे साथ एक इंस्टांस हुआ बेटी बाहर है दिल्ली में है तो वी वर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हसल इन द लास्ट 10-12 डेज एंड इट कल्मिनेटेड इनटू अ डेथ ऑफ वन ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स डॉक्टर साहब की सिस्टर का एंड वेन वी वर कमिंग बैक तो मुझे बड़ी एक हमारे फैमिली में मैंने मुझे याद है हर्मिटेज में बैठ के फैमिली मीटिंग में बैठ के मैंने बड़ा मंथन किया था कि क्या चीज़ गलत थी हमारी फैमिली में जो हमारा बच्चा ब्रेन डिजीज़ के बिकॉज नॉन एडिक्शन है पर इस डिसऑर्डर में गया है तो मुझे समझ आई थी उस मंथन से कि हमारे फैमिली में इमोशनल टॉक्स की कमी है ठीक है ना तो मुझे उसका रिकवरी जो बच्चे की रिकवरी से अपनी फैमिली में इमोशनल टॉक्स कैसे मिले कि बेटी ने पापा को फ़ोन किया दिल्ली से कि पापा आई नो आप मेरे बुआ जी हैं पर आपके सिस्टर थे एंड शी इज़ नो मो तो आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम तो ही सेड नो आई एम फाइन बच्चे कहते पापा डोंट ट्राई टू बी वेरी स्ट्रांग बट आई एम देयर विद यू एंड वर्चुअल हगीज एंड ऑल दैट बोलो वो थी थोड़ी सी एक आधे मिनट की बात पर मुझे उससे ये समझ आया कि वो ही बच्चा जो आपके यहाँ पे आके शेयर करके गया कि मेरे फैमिली में कैसा एटमॉस्फेयर था हम बात नहीं करते थे टेंस थे अब कितना इजीली इमोशनल शेयरिंग कर रहा है एवरी फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम दैट हाँ और वो चीज मेरे को लगा कि रिकवरी का रिवॉर्ड हम ले रहे हैं क्योंकि मैं पेशेंट तो हमारा ट्रीटमेंट पे जा रहा है पर हम सब उसका रिवॉर्ड ले रहे हैं क्यों क्योंकि आपने जैसे बोला एक जने का ट्रीटमेंट होता है बाकी सारे ओदे नाल जुड़ जाते हैं तो वह मैं एक जरा पॉइंट होने क्योंकि रीसेंटली होया परसों तो मैं याद आया कि दैट वॉज समथिंग वी वेंट थ्रू सो आई वुड से कि इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू एवरी वन ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिलीज इन टू रिकवरी नॉट ओनली द पेशेंट थैंक यू नितिन योर रियलाइजेशन प्लीज So you see, I mean, I have to spend more time at my workplace and especially in the morning. So what I have decided is to be proactive and I have decided to get up 30 minutes early. I feel that this paradigm shift
will make my day more comfortable and productive. Good. And comfortable. Good. Thank you.